हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आसमान तले बैठकर पढ़ने की व्यवस्था। राजपुरा राजकीय माध्यमिक विद्यालय में महज 7 कक्षा कद, 5 कमरों में पढ़ते हैं 300 बच्चे, 5 कक्षा आसमान तले बैठने को मजबूर। मिड डे मील में मिलती है 1 रोटी, एक ही थाली में खाते हैं 2 बच्चे। विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं होने से पीते हैं हैंड पंप का खारा पानी। शौचालय टूटा होने से खुले में जाते हैं शौच करने। सिरोही जिले में कई सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। हाल यह है कि कई स्कूल में न तो पर्याप्त कक्षा कक्ष हैं और न ही शौचालय। बच्चों को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। छात्रों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था का भी अभाव है। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजपुरा में वर्तमान में 304 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं, लेकिन विद्यालय में कुल 7 कक्षा कक्ष हैं। उसमें एक प्रधानाचार्य कक्ष व दूसरा स्टोर कक्ष है। बाकी 5 कक्षा कक्ष में 200 बच्चे अध्ययन करते हैं और 104 बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर देश का भविष्य सवार रहे हैं। वहीं स्कूल में कक्षा कक्षों की कमी के चलते बालिकाएं पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। कक्षा कक्षों की कमी के चलते छात्र छात्राओं को खुले आसमान तले बैठकर पढ़ने को विवश होना पड़ रहा है। बारिश के दौरान बच्चों को सुरक्षित बैठाने की स्कूल प्रबंधन के समक्ष दिक्कत आने पर कई बच्चों की तो स्कूल समय से पहले ही छुट्टी कर दी जाती है। वहीं मिड डे मील योजना के तहत विद्यालय के बच्चों को मात्र 1 रोटी ही परोसी जा रही है। दूसरी रोटी देने का नहीं है विद्यालय में कोई प्रावधान। हमारे टीचरों का स्टाफ काफी कम है और बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है और कक्षा यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और काफी कमरों में कमी है। 5 कमरे बने हुए और यहाँ पर बारिश के समय कमरों से पानी टपकता है, उससे हम लोग पढ़ने में काफी परेशानियाँ होती है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर हमारे स्कूल में शौचालय की कमी है, वो है परंतु कुछ टूटे पड़े और हमारे यहाँ पर आपके यहाँ पे मतलब बच्चे भी बाहर बैठते हैं और आपके पीने के लिए क्या व्यवस्था है? पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है और हमको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब आपको समस्या से जूझना पड़ रहा है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, खारा पानी भी पीते हैं। हमको एडमिट का पानी पीना पड़ता है, वो खारा पानी से हमारे प्रतिदिन उनको निकालना पड़ता है। हमको 6 घंटे स्कूल में बैठे काफी मुश्किल लगते हैं। यहाँ पर पढ़ाई का बिल्कुल टीचर न होने से काफी डिस्टर्ब होता है हमारे यहाँ पढ़ाई का। आपका नाम? मेरा नाम सिरोही से जागरूक टीवी के लिए भवानी सिंह की रिपोर्ट।